विष्णु मंदिर के समीप असुरन पोखरा पर हुए अवैध निर्माण पर जिला प्रशासन द्वारा कार्रवाई किए जाने की बात को लेकर शुक्रवार को कॉलोनी वासियों ने एसडीएम सदर गौरव सिंह सोगरवाल से मुलाकात की और बैठक कर उन्हें यथास्थिति से अवगत कराया। इस दौरान भूमि के मालिक ऋषभ जैन के पुत्र भी एसडीएम सदर की बैठक में पहुंचे और उन्होंने पोखरे के बराबर जमीन देने की बात कही। उन्होंने बताया कि सदर तहसील के ही मानीराम के पास उन्होंने जमीन खरीदने का प्रस्ताव किया है, जिस पर एसडीएम सदर ने उन्हें 24 जनवरी तक का मोहलत देते हुए जमीन के कागजात प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। गौरतलब है कि असुरन पोखरा पर पिछले 10 से 15 वर्षों से मकान बनाकर लोग रह रहे हैं। 2010 में तत्कालीन मंडलायुक्त पी के मोहंती ने पोखरे पर हुए अतिक्रमण को मुक्त कराने के लिए असुरन पोखरे को खाली करने के निर्देश जारी किया था, जिस पर पोखरे पर मालिकाना हक जताने वाले ऋषभ जैन ने पोखरे के बराबर सदर तहसील में ही भूमि देने की बात कही थी, लेकिन पी के मोहंती का तबादला होने के बाद मामला फिर ठंडे बस्ते में चला गया। 2021 में एक बार फिर मामला सामने आया और जैन ने जमीन देने की बात कही। उन्होंने एसडीएम सदर को आश्वासन दिया है कि 24 फरवरी तक वे जमीन का कागज मुहैया करा देंगे, जिस पर एसडीएम सदर गौरव सिंह सोगरवाल ने कहा कि 29 जनवरी तक उन्हें हर हाल में पोखरे के बराबर भूमि चाहिए। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मकसूदन नगर कॉलोनी के नागरिक रामाश्रय प्रसाद और एसडीएम सदर गौरव सिंह सोगरवाल ने कहा, जो भी गाड़ रहा हो तो ऐसे में क्या है, अब मेरा तो हमारा जो मेरा मानना है कि जो 2010 का आदेश है, 2010 के आदेश के परिप्रेक्ष्य में जो ऋषभ जैन और जो वहाँ के जो जमींदार थे उनके द्वारा जो हलफनामा दिया गया है, मैं केवल उसका अनुपालन चाहता हूँ। आप लोग भी अपना सुरक्षित रहें और प्रशासन का जो काम है वो उस तौर पर, क्योंकि ऐसे आप देखिए गोरखपुर शहर में, क्योंकि मुझे तो यहाँ साल भर हुआ है, मैं देख रहा हूँ गोरखपुर शहर में बारिश के दौरान आप देखेंगे जल भराव की समस्या बहुत अतिक्रमण होता है, लोग उस पर मकान बनाते हैं, भूमाफिया सक्रिय रहते हैं, तो इससे क्या होता है पूरे शहर को इसका हर्जाना चुकाना पड़ता है। तो हमारा पर्पज इसमें है कि जो भी हमारे तालाब हैं पोखरे हैं उनका हम रिस्टोरेशन करें। 2010 में आपके जमींदार के द्वारा एक हलफनामा दिया गया है, आपने लिया है, उनको बोलिए कि हमें ये जो हलफनामा आपने दिया है इसका 29 जनवरी तक हमने टाइम दिया है, 29 तक, क्योंकि आपको टाइम ऑलरेडी उसमें 6 महीने मांगा था, आपको देखे 10 साल हो गए, तो इसमें आप ये कहना कि टाइम नहीं मिला तो ये आ गया है, अदरवाइज फिर कोई पता नहीं है, 10 साल से दवा नहीं हो सकता है, ऐसे चलता रहता है, कोई दिक्कत ही नहीं। लेकिन चूंकि हमने उसको उठाया है क्योंकि हमने तालाबों की पूरी सूची तैयार कर रहे हैं, कंप्लायंस कर दें, 29 जनवरी तक हमके पास टाइम है, उसके बाद फिर परेशानी आपको भी हो जाएगी। जी सर, है ना, आप हम नहीं चाहते आप लोगों को परेशानी, क्योंकि आप लोग इसमें इन्वॉल्व नहीं है, आप सुमेर सागर की तरह नहीं है, सुमेर सागर में बहुत भूमाफियाए थे जो उनका उनको पता था कि ये जमीन तालाब की और उन्हें वापस ट्रांजेक्शन करते गए, लेकिन चूंकि आप लोगों को अनभिज्ञता से ये सब किया है, तो आप अपने जमींदार पे बनाइए, दबाव बनाइए, उनको बोलिए कि जो कंप्लायंस है इसका हमें 29 तारीख से पहले करके दे दे, कोई भी जमीन हमें दिखा दे तहसील सदर में तालाब के रूप में मुक्त कर दे दे, ताकि ये अच्छा उदाहरण बने सबके सामने। जी सर, ये हम चाहते हैं आप लोगों को। देखिए मैं अभी आपको केवल और केवल मैं 2010 मई 2010 के पहले के जितने भी आवास हैं उनके लिए मैं कह रहा हूँ कि उनके लिए हम कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, अगर आपके जमींदार हमें हलफनामा लगाकर जो उन्होंने लगाया है उसका कंप्लायंस कर देते हैं, उसका अनुपालन हमें अगर मिल जाए तो हम कोई कार्यवाही जो भी, क्योंकि वो आदेश कमीशन सरकार का विभिन्न शासनादेशों के था, तो उसमें हम उसका कंप्लायंस चाहते हैं, उसका अनुपालन चाहते हैं। तो आपके बाद अपने जमींदार को आप बताइए कि वो हमारे उसमें इसका कंप्लायंस करें और 29 जनवरी तक टाइम है, उससे पहले अगर कंप्लायंस हो जाएगा तो अच्छा रहेगा। यहाँ जा रहे हैं वो आज भी यही कर रहे हैं, अभी उनके दोनों पुत्र आपसे मिले थे, आ रहे हैं और आप अभी आ गए दे आ रहे हैं सर। और सर एक बात और पुकारना चाहता हूँ, जहाँ तक हम लोग की स्थिति है सर, हम लोगों ने 32 साल तक निकलवाया सर लोन मिलने के लिए, 12 साल 20 साल 32 साल तक निकलवाया सर, कहीं से हम लोगों का एक पॉइंट लगा होता आवासीय घोषित कमरे दिया। ये समझना हूँ आपका सुमेर सागर में, बस भिन्नता यही है कि जानकारी नहीं, जिस तरीके से प्रोजेक्ट किया गया उस तरीके से आपकी पॉइंट है सर, एक हम लोग जो प्रस्ताव दिया है सर
उसमें 2010 में भी हम लोगों को ऐसे गए हम दे दिए हैं, हम लोग निश्चिंत हो जाएंगे। सर अब की बार आपके आदेश सर मौका नहीं मिलना चाहिए, हर हालत में सर जमीन को कब्जे जमाने हो जाना चाहिए ताकि हम लोग सर हमारे बच्चे चैन ये बहुत जरूरी है जी। अब की बार मौका नहीं, हाँ 2010 से आप देखिए 11 साल बाद अब चूंकि हम चूंकि पोखरों पे और तालाबों पे हम कार्रवाई कर रहे हैं, कार्रवाई किसी को प्रताड़ित करने के लिए नहीं है, हमारा उद्देश्य आप देखिए हमारे लिए आप सब लोग बराबर हैं, हम तो किसी दूसरे काम से हैं यहाँ पे सर्विस करने आए हैं और दूसरी जगह जहाँ सरकार भेजेगी वहाँ सर्विस करेंगे, हमारा काम केवल अपनी ड्यूटी करना है जी। तो हमें गवर्नमेंट सैलरी दे रही है, हम काम कर रहे हैं ना करें सैलरी हमें मिलेगी वैसे की वैसी रहे, तो इसमें किसी को प्रताड़ित करने का किसी को करने का हमारा कोई उद्देश्य नहीं है, हम केवल जो आपके लोगों के द्वारा बताया गया है आप इस भी इस बात से इतफाक करते हैं कि आपके जमींदार ने आपको धोखे में जो भी रखा हो और आपने सील कम किया तो उनकी जिम्मेदारी बनती है कि इसके बराबर में वो जमीन दे और वो हमें अगर जमीन दे देते हैं तो शायद हम निःशुल्क फिर भी हम कार्रवाई करेंगे। जो भी कागज है ऑन द डेट ऑफ वेस्टिंग जो यूपी खरीदारी एक्ट का जो ऑन द डेट ऑफ वेस्टिंग जो सोनी थी वो ये लुक डेट 2-3 में देना है आपको मानी नाम वाली जो 33,000 ठीक है, तो आप 2-3 जमीन है जो दिखा दीजिए जी, हाँ उसके लेखपाल से रिपोर्ट लगा देते हैं क्या क्या उसकी वो है जी, और वो जमीन देके हम एक बार रिपोर्ट ले लेंगे, आप जो दे रहे हैं वो वास्तव में जमीन किसकी है क्या है जी, और क्या मालिकियत है तो वो दे दीजिए, उसके बाद हम एक आज देंगे तो हम कल तक उसकी इंक्वायरी कर लेंगे जी सर। जमीन के डॉक्यूमेंट्स हम निकाल लेंगे आप मुझे ऑप्शन जैसे 2-3 और मिल जाते हैं हम ऑफिस से रिलीज कर देंगे। मुझे कब तक देंगे आप? 27 जनवरी को हम ऑप्शन नहीं सर 22 है, मैं आपको 24 तक देता हूँ टाइम ना, आज का पूरा दिन है 23 तारीख कल है, परसों मेरे पास आई 24 को कि सर ये लाइन है उसको फिर 24 को आप देंगे तो मैं 25 तक उसकी इंक्वायरी कर लूँगा और फिर 26 के बाद 27-28 में हम उसको करा देंगे जो भी आपको कराना है ठीक ठीक है, तो परसों तक आइए आप ठीक है। रामाश्री प्रसाद, आज हम लोगों से SDM साहब से वार्ता हुई थी, सुबह हम लोग पहले गए थे जैन के घर, जैन साहब ने ये कहा कि शाम को हम गए थे SDM साहब से वार्ता किए हैं, ये SDM साहब हमको 12:30 बजे बुलाए हैं पेपरों के साथ, और सुबह हम जमीन देख के आए हैं एक ज़मीन और देखना है, हम लोग उनके साथ गए मालीराम के पास सदर तहसील के अंतर्गत जमीन देख करके हम लोग चले आए हैं और आकर के SDM साहब से मुलाकात किए हैं, सारी बात अवगत कराए हैं और साथ में उनके सुपुत्र भी थे वो अपना आप लेके दिखा रहे थे, लेकिन SDM साहब ने ये कहा कि देखिए यहाँ के जो निवासी हैं वो मूलतः निर्दोष हैं, इसको उन्होंने माना, इसलिए हम लोग साधुवाद देते हैं SDM साहब को, कम से कम हम लोगों को निर्दोष माने ठीक है। दूसरा पॉइंट उन्होंने कहा कि देखिए ये 2010 का मामला है, अब टाइम नहीं देंगे हम इस प्रकरण को निक्षेपित करेंगे, और आपके पास 2 दिन का टाइम है, जमीन का प्रस्ताव आप लेके आइए हम 2 दिन के अंदर उसका निस्तारण करेंगे, किसी बात पर उनको भेजे हैं 2 दिन का टाइम दिए हैं कि अभिलेख लेके आइए, अब जमीन का प्रस्ताव अब कोई विवाद और देखने का कागज देखने का समय नहीं है, जो कमिश्नर साहब का निर्णय है उसी निर्णय के आधार पर आप 944 की जमीन दीजिए और उसका पोखरा खुदवाइए और इसको निक्षेपित करना है हर हालत में। जमीन वहाँ पर बहुत ज्यादा है और लोग किसान देने के तैयार भी हैं और जमीन जो है उनकी भूमदरी है, तो क्या ऐसा लगता है कि आप लोगों को न्याय मिलेगा? हमारे SDM साहब से हम लोगों को 100% उम्मीद है कि न्याय मिलेगा। असुरन पोखरा के जितने भी वहाँ के स्थानीय निवासी हैं जो मधुसूदन नगर के नाम से कॉलोनी है वहाँ के सभी लोग आए थे और वो कह रहे थे कि सर इसमें जो हम जिस जमींदार से हमने ज़मीन ली है हम लोग भी 2010 से उनको कह रहे हैं कि आपको कमिश्नर तत्कालीन कमिश्नर सर के दिए गए आदेश के अनुसार हर्जाने के तौर पर वो ज़मीन उपलब्ध करानी है, अब ऐसे में अभी तक ज़मीन उपलब्ध नहीं कराई गई है तो अब उनको यही कहा जा रहा है कि आपको ज़मीन उपलब्ध करानी है, तो आज वो लोग भी आए थे जमींदार जैन और वो भी कह रहे थे कि सर हम प्रस्ताव लेके आए हैं, कुछ ज़मीनें उन्होंने चिन्हित की हैं और 24 तारीख तक का टाइम मांगा है,
परसों वो लोग फिर ज़मीन के साथ लेके आएंगे। हमने उनको बोला कि 2010 के आदेश माननीय आयुक्त महोदय पी के मोहंती सर के द्वारा उसका अनुपालन आप सुनिश्चित कराएं, क्योंकि आपने हलफनामा दिया है, आपने एफिडेविट दिया है कि आपको उतनी ज़मीन हर्जाने के तौर पर तवाला के रूप में देनी है। अब वो व्यक्ति जो ज़मींदार हैं ऋषभ जैन, वो लोग आए थे और उन्होंने ज़मीन का प्रस्ताव के लिए 2 दिन का समय मांगा है, तो 24 तारीख को वो एक प्रस्ताव के साथ आएंगे। शर्त यही है कि वो तहसील सदर के क्षेत्र में रहेगा, तहसील सदर क्षेत्र में वो ज़मीन हम देख के और जो भी रखेंगे तो उसमें वो 2010 के आदेश का अनुपालन हो जाएगा। और आज ये सारे असुरन पोखरा वाले जो मधुसूदन नगर के नाम से कॉलोनी है वो सब आए थे, सब धन्यवाद ज्ञापन कर रहे थे कि सर ये बहुत अच्छी पहल है तालाब और पोखरों के लिए, जिस तरीके से प्रशासन कार्य कर रहा है उन्होंने काफ़ी धन्यवाद दिए, काफ़ी लोग खुश थे, क्योंकि गोरखपुर में जितनी भी जल भराव की समस्या है वो सब तालाबों पर किए जा रहे अवैध अतिक्रमण के रूप में है। तो ताल सुमेर सागर के बाद खरैया पोखरा और अब असुरन पोखरा जो तहसील का हमारा प्रशासन पूरा इसमें लगा हुआ है, हम जल्द ही इसको खाली कराएंगे, और भी तालाब हमारे निशाने पे हैं, एक बार असुरन पोखरा का हम समाधान कर लें उसके बाद फिर अन्य पोखरे को भी हम लेंगे। सर कितनी जमीन की बात है अभी फिलहाल? अभी देखिए उसमें टोटल जो एक रकबा है वो 9 एकड़ का है, लेकिन जो कमिश्नर सर का जो आदेश है उसमें उस टाइम 3 एकड़ के आसपास का वो था कि 3 एकड़ के आसपास उनको ज़मीन उपलब्ध करानी है। तो अभी हम 2010 के आदेश का अनुपालन पहले हम करा रहे हैं, तो 2010 का और 2000 ये भी हमने आज साफ कर दिया कि 2010 के बाद जितने भी निर्माण कार्य हुए वो सब अवैध हैं, क्योंकि 2010 में जब कमिश्नर सर का आदेश आया था उस तारीख तक क्योंकि सर ने आदेश में ही वो सारे जितने निर्माण कार्य सबको अपने अंदर आत्मसात करते हुए एक आदेश निकाला। अब 2010 के बाद जो भी है वो सब अवैध है, उस पर हम कार्रवाई बाद में करेंगे, लेकिन पहला हमारा ये है कि 2010 तक जो ज़मीनें उनको देनी थी वो ज़मीनें हमें मिले, उस जमीन 10 तक सर 3 एकड़ के आसपास लगभग, हाँ उसमें शायद फिर बढ़ा है, लेकिन अभी हमारा ये है कि पहले 2010 तक जो ज़मीनें थी 2010 में लगभग 3 एकड़ के आसपास देना था, 3 एकड़ ज़मीन हमें उपलब्ध कराएं, उसका अनुपालन कराएं, उसके बाद फिर हम अगली रणनीति तय करेंगे।